यहाँ पे टूटा होता, यहाँ पे होता क्रैक, तो बैंडेज वगैरह कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, ये रहा एक्सरे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास। मैं बीमू। और स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इस टाइम इस बिंदी पर। और इधर देखिए सुहाना है। सुहाना, तो सुहाना की जो दर्द है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है, तो हम इनको लेकर अभी जा जो रहे हैं। दवा हम लेकर आए थे वो भी खत्म होने को आ गया है, बट कोई उन्हें बीस नहीं हुआ है, तो इसलिए हम थोड़ा सा भी क्योर नहीं हुए हैं, तो इनको लेकर हम बड़े हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो यहाँ के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ हम जा रहे हैं इनको लेकर। पहले चलते हैं एटीएम, कुछ पैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद मैं और सब साथ में चलते हैं बड़े हॉस्पिटल। उससे पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुहाना की दर्द ठीक नहीं हुई और बीमू को बहुत ज़्यादा बुखार लग गया, तो अब कैसी हो? कल से बहुत ज़्यादा आराम है। तो पहले से बेटर है। तो आप में से 5 कमेंट या 6 कमेंट ऐसा आया हुआ था कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा होता है, इतना इनोसेंट भी मत बनने की ड्रामा करो, कोशिश करो कि क्या हो गया, कितना ज़्यादा दुख आ गया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पर्सनली ये मेरा प्रॉब्लम है कि अगर मेरे अपने के साथ, अगर बीवी के साथ कुछ हो जाए या सुहाना कुछ हो जाए, तो मैं बहुत हैरान परेशान हो जाता हूँ अंदर से। ये मेरा प्रॉब्लम है कि अगर किसी को भी कुछ होता है ना, तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। जब से सुहाना को चोट लगी है तब से मैं ठीक से कुछ करने में मन ही नहीं लगता है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं सुहाना को लेकर हॉस्पिटल। हाय बोलो सभी को। हाय। आप लोग सुहाना के लिए प्रे कीजिए कि ये ठीक हो जाए, इनकी हड्डी वड्डी में क्रैक ना आया हो, सिर्फ नॉर्मल सा चोट हो जो एक दवा खा के ठीक हो जाए, यही विश कीजिए। बोलो दोस्तों, दोस्तों किसी दे दो। देखिए आपको किस हाथ से किसी दे रहे, ये हाथ उठाए, इस हाथ से किसी दो बेटा, इस हाथ से किसी दो। ओहो, ओके दोस्तों से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं और ये यूट्यूब मनी है। फिलहाल चलते हैं सुहाना को लेकर हॉस्पिटल। तो फाइनली हम दोस्त आ चुके हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर कितने भीड़ भाड़ है और क्या है। तो चलिए अंदर चलते हैं। बाय गॉड, अंदर का नज़ारा तो देख लीजिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा भीड़ है और लाइन की जो कतार है ये आप लोग देख लीजिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक लगी हुई है। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा भीड़ था, तो आज काम हो ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे जहाँ तक भीड़ देख के लगा था कि शाम हो जाता या 3-4 घंटे तो पुर्जा कटाने में ही लग जाता। तो हम आज नहीं होता, फिर कल आना ही पड़ता। तो हम सोचे हैं कि कल आएंगे सुबह में, सुबह में तो आप सबसे मिलते हैं सुबह में यहीं पे। हम हॉस्पिटल से घर पहुंच चुके हैं और हमारा काम तो वहां पे हुआ नहीं, तो हम घर आ चुके हैं। अब कल सुबह निकलेंगे, बहुत सवेरे 7 से पहले हम हॉस्पिटल में होंगे। अभी हम देखिए लाइव गए हुए थे, देखिए रिंग लाइट में फोन को लगाए हुए थे एंड यहाँ से हम लोग लाइव गए थे। अभी भी लाइव खत्म किए हैं, आप लोगों को पता होगा जितने भी लोग जुड़े थे हमारे लाइव में। The next day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देख लीजिए पीछे, हमको तो डर लगता है अंदर जाने से ही, बट हम आ चुके हैं। कल ही आपको बताए थे हम कि आज जा रहे हैं, नहीं होगा, कल फिर मिलेंगे इस जगह पे। तो आ चुके हैं, चलते हैं अंदर, चेकअप कराते हैं सुहाना को एंड देखते हैं क्या है सीन। ओके, लेट्स गो इनसाइड। हम आ चुके हैं हॉस्पिटल से और अभी रात होने को आ रहा है, तो आप लोगों को हम वहाँ का हॉस्पिटल का जर्नी आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये रहा एक्सरे, आप लोगों को नहीं दिखेगा ऐसे करके, लेकिन देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इस एक्सरे का फोटो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ का जो हड्डी है जिसे ब्यूटी बोन कहा जाता है, ये बीच से क्रैक हो चुका है। जैसे ही मुझे डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दिखाया, तो सबसे पहले बीमू ने देखी, और बीमू देखने के बाद बोलती है कि क्रैक नहीं हुई है, पर जैसे ही मैंने देखा तो मैं देखते ही समझ गया कि हड्डी क्रैक हो चुकी है। वो लग के डॉक्टर के पास आया कि इसका क्या होगा, तो डॉक्टर नहीं था अपने कैबिन में, वो ICU में देखने चले गए थे पेशेंट को। तो मैं वहाँ पर रुका और फिर से मैं एक्सरे निकाल कर देखा, तो क्रैक हो चुका है हड्डी। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फिर से कहाँ पे क्रैक हुआ है। तो मुझे बहुत डर लगे, क्योंकि अगर यहाँ पे टूटा होता, यहाँ पे होता क्रैक, तो बैंडेज वगैरह कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे?
इस टेंशन में मैं बहुत डर गया और मेरी बच्ची इतनी दर्द सह रही थी क्योंकि मेरा भी हड्डी सेम इसी जगह टूटा हुआ है। सुहाना की राइट हैंड में है और मेरी लेफ्ट हैंड में यहाँ पर टूटा हुआ था, तो मुझे पता है वो दर्द, तो मैं बहुत रोने लगा। मुझे पता है ये दर्द कैसा है, तो मैं वहीं पर बैठ के अपनी बेटी को गले लगा लिया और मैं रोने लगा। मैं जानबूझ के नहीं रोया, बस मुझे रोना आ गया और बहुत रोया मैं। मेरे को मन किया था कि मैं आप सभी से हॉस्पिटल से ही शेयर कर लूं, लेकिन मैं शेयर इसलिए नहीं किया हॉस्पिटल से, क्योंकि जब हम आपको दिखाते हैं अपना दुख तकलीफ, मतलब रियलिटी रियल टाइम का शूट करके, तो आप मुझसे दो चार लोग कहते हो कि ड्रामा कर रहे हो, कि ओवर रिएक्ट कर रहे हो, पैसा बोल देते हो। और उस वक्त मैं सच में बहुत रो रहा था, मतलब बार बार आँखों से आंसू पोंछता था और फिर रोना था, यहाँ तक कि मेरी बेटी इस हाथ से मेरा आंसू पोंछ रहे थे, चुप करा रही थी। इनसे पूछ लीजिए, ये मुझे कह रहे थे पापा मत रोइए, क्यों रो रहे आप, इनको क्या पता कि मैं क्यों रो रहा था, इनके ही हड्डी को देख कर मैं रो रहा था। मैं सोच रहा था कि इतने दिन से मैं सोच रहा था कि सिर्फ चोट लगा होगा, मेरे दिमाग में चलने लगा कि ये ड्रोन में खेल रही थी, हमारे साथ खेलती थी, एक ही हाथ से आप लोग हाय बोलते थे, वो एक ही हाथ से आप लोग किसी भी देती थी ये, तो इसी हाथ से देती थी। ये सब सोच कर मुझे बहुत रोना आ गया। और जैसे ही वो रिपोर्ट आया एक्सरे का, तो मैं डॉक्टर के पास में जो वो एक्सरे का रिपोर्ट था वहीं से मैं देखी अलग से, तो मुझे नहीं पता चला कि ये फ्रैक्चर है कि क्या, तो मुझे लगा चलो फ्रैक्चर नहीं है, कोई दवा ववा से ही ठीक हो जाएगा। तो मैं फ्रैक्चर लेके आ गई, जब सुहाना के पापा आए और निकाल के देखे तो देखे वहाँ पे फ्रैक्चर है और ये रोने लगे, मतलब इतना ज़्यादा रोने लगे आप मतलब पूछिए ही मत, कोई मम्मी इतना ज़्यादा रोने लगती है जैसे ये रोने लगे। तो ये रोने लगे तो मैं क्या बोलूँ वहाँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सुहाना बार बार पापा को चुप किए जा रही थी, पापा चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो करके मुझे भी पूछ रही थी सुहाना कि पापा को बोलिए चुप हो जाए ऐसे करके। तो मैं बोली कि चुप हो जाओ, अब जो होना था वो तो हो गया, अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, कुछ भी होता है, जो होनी होता है तो उसको कौन टार सकता है। तो फिर भी ये रोए जा रहा था, फिर कुछ देर बाद ये चुप हुए और उसके बाद डॉक्टर का वेट कर रहे थे और ये बहुत परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या बोलेंगे डॉक्टर, कहीं सर्जरी ना लिख दे क्योंकि फ्रैक्चर यहाँ पे हुआ है। तो डॉक्टर आए और जब डॉक्टर बोले कि सर्जरी नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही ठीक हो जाएगा, तो फिर इनका जो हालत है वो नॉर्मल हुआ। सबसे ज़्यादा रोना तो इसलिए आ गया दोस्तों कि ये मुझे चुप कर रही थी, बहुत प्यारी है मेरी बच्ची, ये मुझे चुप कर थी, पापा मत रो, इस तरह से मेरे आंसू पूछ रहे थे, क्यों रो रहे हो करके पूछ रही थी। हाँ, और जब मैं बोल नहीं रहा था तब अपनी मम्मी को बोल रही थी कि पापा क्यों रो रहे हैं, पापा क्यों रो रहे, पापा को बोले ना मुझसे बातें करे, पापा को बोले ना मुझसे बातें करे, और ये मुझे और रुलाया जा रहा था। मैं इस एक्सरे लेकर मैं हॉस्पिटल से बाहर आके बैठा था, तो मैं सोचा कि उस वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुके थे इसलिए मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि ये मेरा प्यार है मेरे बेटी के लिए। और इसी में अगर कोई ये कमेंट करता कि देखो ये दिखावा कर रहा है, तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाता, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊँगा डॉक्टर से सलाह करने के बाद क्या चीज़ है नहीं, एक ही बारे में सारा चीज़ शेयर कर दूँगा। मुझे हर चीज़ के लिए अगर लोग कमेंट करते हैं बुरे तो मंजूर है, लेकिन मेरे बेटी और बाप के रिश्ते के लिए कमेंट करने तो शायद मैं ना सह पाऊँ, इसलिए मैंने नहीं किया उस वक्त शेयर। ये दवा है जो दर्द कम करने की दवा है, सिर्फ ये दी है और उसके साथ कुछ नहीं दिए, 3 दिन का डोज है, मीठू मीठू दवा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्टर ने सुहाना को क्या दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सुहानी को जो ये है, ये हाथ ना चलाने के लिए बोली है डॉक्टर ने, तो इसको मूव ना करे इसके लिए ये दिए हुए हैं सपोर्ट के लिए, और ये और बोले कि खुद ही रिकवर हो जाएगा, खुद ही और टाइम दिए हैं, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं और 6 हफ्ते भी लग सकते हैं जुड़ने में, उसके बाद फिर से एक्सरे होगी और फिर हम देखेंगे कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं अपनी बेटी को बोलती कि ठीक हो जाएंगे, मैं भगवान से प्रे भी करता हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो जाए और जल्दी से खेलने कूदने लगे, आप सभी को हाय बोले, आप सभी को इस हाथ से किसी दे राइट हैंड से, और हमारे साथ फिर से खेलने कूदने लगे। विश करते हैं कि मेरी बेटी को जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ना बेटा। और ये खेलने के लिए बहुत वो होती है, उतावली होती है, चाहती है खेलूँ, बट डॉक्टर जी बोले इनको मत हिलाना ज़्यादा, तो इनको कम ही खेलना पड़ेगा ना। ओके फ्रेंड्स, तो यही सब आपके साथ शेयर करना था। तो अभी हम सोते हैं, इनको दवा खिलाते हैं, दर्द हो रहा है बेटा, तो अभी हम सोते हैं, बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स, हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, लव यू ऑल।